पेपाल अकाउंट बनाकर आप दुनिया भर से लेन देन कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं और फ्रीलांसिंग करना सोच रहे हैं तो आपके पास एक पेपाल अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली फ्रीलांसिंग वेबसाइट पेपाल के थ्रू पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आप किसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो डॉलर में डील करती है तो पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली आप पेपाल के थ्रू लेन देन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके पूरी डिटेल बताऊंगी। आप इसे एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप नहीं करना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट आप गूगल क्रोम ओपन कर लें और सर्च करें पेपाल। तो ये देखिए, ये फर्स्ट में है, पेपाल का वेबसाइट आ गया है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो ये देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, पेपाल ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हमें साइन अप फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, हमारा न्यू पेज ओपन हो गया। एक है इंडिविजुअल अकाउंट, सेंड पेमेंट ओनली, मेन सिर्फ पेमेंट आप कर सकते हैं किसी को, और बिजनेस अकाउंट में आप रिसीव भी कर सकते हैं पेमेंट और सेंड पेमेंट, दोनों लेन देन दोनों कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट में। तो हम बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, इंडिविजुअल नहीं। तो बिजनेस अकाउंट पे अब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो ये देखिए, हमारा न्यू पेज ओपन हो गया है, ज्वाइन पेपाल टुडे फॉर फ्री। तो उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे कि आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट, थ्री ऑप्शंस आगे यहाँ पे थ्री ऑप्शंस है, तो हम थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे, ऑन मार्केट प्लेस और फ्री लैंसर प्लेटफॉर्म्स। सेकेंड वन है, सेकेंड वन में 0 to 250 के USD में सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा न्यू पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस अपनी डालेंगे। तो चलिए मैं डालती हूँ। उसके बाद सबमिट पे जाना है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन। उसके बाद हम बिजनेस टैब यहाँ पे बताएंगे किस टाइप का आपका बिजनेस है, इंडिविजुअल है या सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप्स या कॉपरेशन, तो हम इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड में कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए, इतने सारे ऑप्शन है, बट हमें कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस में सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पस कोड है, पर्पस कोड में P0 ऐसे कुछ है, यस P0806 सेलेक्ट करना है। उसके बाद पर्सनल पैन, मतलब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना है, तो मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे CC स्टेटमेंट नेम 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यहाँ ऐड करना है, जो कस्टमर एज अ कस्टमर नेम होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम और 3 डिजिट ऐड कर दी। उसके बाद बिजनेस URL यहाँ पर डालना है, ये ऑप्शनल है तो मैं इसे छोड़, बिजनेस URL है तो ज़रूर इसमें डालना। उसके बाद आप नेक्स्ट सबमिट कर दे। ये देखिए, हमारा न्यू पेज ओपन हो गया है, बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लीगल लास्ट नेम डालना है, नेशनलिटी ऑलरेडी यहाँ इंडिया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है, ये सारा पिन कोड एड्रेस, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना फ़ोन नंबर देना है, और यहाँ पे जो डॉलर उसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम टिक कर देंगे बिजनेस एड्रेस इज़ द सेम एज द होम एड्रेस, बस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। तो ये देखें, हमारा न्यू पेज ओपन हो रहा। तो ये देखें, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है।
अब हम बैंक जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेव कर ली, मैं यहाँ पे बैंक पे क्लिक करती। ये देखिए, वेलकम टू द पेपाल कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर यू विल फाइंड टूल्स डैट कैन हेल्प योर बिजनेस ग्रो एंड सक्सेड। तो ये हमारा न्यू पेपल अकाउंट बन चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पेपल अकाउंट का इंटरफेस है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, तो मैं इसके जो बाकी बैंक का डिटेल्स इसमें कैसे अटैच करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इसे थम्स अप, शेयर, और कुछ पूछना है, कुछ इंक्वायरी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।